तीन रिएक्शन होगी, कौन कौन सी? पहली थी एजिटेटर, दूसरी थी रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद एल्कलीज, राइट? यही तीन रिएक्शन हुई है बस, ठीक है? चलो आगे, आगे जो रिएक्शन है ना, आपको पता है आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स किया, उसमें ऐसे था ROH, इसको हटा के सीएल लगा देते, HCl ऐड किया ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है? ग्रुप प्रोसेस, PCl3 ऐड किया, PCl5 ऐड किया, PCl3 PCl5 की रिएक्शन है, SOCl2 की रिएक्शन है, इसमें Cl लग जाता है, ठीक है? वो सारी रिएक्शंस ये भी देता है, ठीक है? देखो याद है तुम लोगों, देखो फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, हां जी बच्चे, रिएक्शन विद कार्बोनेट, हां पहले बोल लिखो, सॉरी, एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ये लिखो आया था ना, हां देखो देखो, एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, पहले ये लिखो, एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स होते हैं ये, दिस इज आवर एसिड, एसिड है, yes. आपको पता है ये बेस होता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि वो एसिड है, ये बेसिक है, पता क्या होता है ये बनता होता है, कैसे कैसे बनता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, NaOH प्लस H2CO3, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, मानते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इनका सॉल्ट बनेगा Na2CO3 प्लस H2O बनेगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या था, इसलिए बेसिक होता है, ठीक है? और ये बहुत माइल्ड बेस होता है, क्या होता है? माइल्ड, इट्स माइल्ड बेसिक इन नेचर, ठीक है? पता होना चाहिए, समझ आया? अब बेस का काम क्या है, यहाँ से एच उड़ाना, यहाँ से एच आ जाएगा और एन ए आ जाएगा, समझ आया? अब एन ए वहां पे कितनी है, दो, तो एसिड दो ले ले, ठीक है? यहाँ पे एसिड क्या बन गया, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस, इसको CO2 बोलो, इसको H2 बोलो, ये CO2 बोला या H2 बोला, क्या H2 प्लस CO2 आया, समझ? मेरी बात सुनो, जो CO2 होती है ना गैस है, तो हमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस सुनाई देगी, क्या सुनाई देगी? ब्रिस्क एफर्वेसेंस, क्या सर? ये टेंथ में, हाँ टेंथ में है, अभी भी है, था गया ना, तो ऐसे थोड़ी तुम लोग क्लास छोड़ के चले गए, तुम कदम उड़ गया है, टेंथ में था, बिल्कुल सही, एफर्वेसेंस, अब ये स्पेलिंग सही है या सरसेंस है? नहीं सर, सही है, मेरे को नहीं पता, लिख लो, लिख लो, एफर्वेसेंस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है? तो ये एज अ टेस्ट यूज होता है, ठीक है? अभी मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, चलें बताऊँ टेस्ट कैसे आता है, टेस्ट लिख लो, रिएक्शन लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी खत्म करना है चैप्टर, देखो इसको हटा दो और इसको हटा दो, अभी क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट, अब लेना बाइकार्बोनेट, यानी कि NaH, अब कितने NaH है, तब तो एक ही चाहिए, CH3 सी डबल नो हो गए, ठीक है? एक एच इधर पहले से ही है, एक एच ई वाला, एक एच वो वाला, क्या बन गया? प्लस CO2, ये क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है? ये भी CO2, ये भी टेस्ट हो, ये भी टेस्ट यूज कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी टेस्ट यूज कर सकते हो, जैसे आपको आया कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता, क्यों? क्योंकि अल्कोहल बहुत कम एसिड होते हैं, ठीक है? वो वीक बेस के साथ एक्ट नहीं करेगा, आया ना, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ, जस्ट इन क्लियर, ठीक है? वेरी गुड, लिखो, ये लिखने के बाद एक लाइन लिखनी, जल्दी फास्ट लिखो थोड़ा, इसमें भी प्रेस करते हैं, हाँ बिल्कुल, CO2 इसमें भी बनी है, क्या आएगा इसमें, क्या बनेगा इसमें, ब्रिस का फर्मेशंस, हाँ क्या है यार, BCM बता दूँ क्या कहेंगे, BCM बता दूँ,
चले आगे, लिखो एक लाइन, लिखो लिखो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड एज अ टेस्ट, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिड्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब भी आपको ये आए तो आपको टेस्ट लिखना है, रिएक्शन लिखनी है। ऐसे नहीं लिखना कि इसके साथ रिएक्ट कर लो, पेपर में लिख दो मैम प्लीज डू वन रिएक्शन, एसिड को रिएक्ट कर लो, इसके साथ आपको टेस्ट हो जाएगा लैब में जाने। चले आए आगे लिखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप। इसमें दो तीन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन सारी इस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर कन्वर्जन में होल्ड बनाना है तो ये आना चाहिए, ठीक है। पहली रिएक्शन, इसके अंदर पहली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, लिखो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। इसको हटाना है हमने, हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इसकी हमारे पास तीन चार रिएक्शन है, ठीक है, PCl3 PCl5 SOCl2 तो ज्यादातर पेपर में हम ये रिएक्शन लगाते हैं SOCl2 वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट्स गैसेस होती हैं, है ना। अब देखो जब यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे जब 3 होगा तो इधर 3 करना, ठीक है। क्या बन जाएगा? 3CH3 C2O O के साथ यहाँ क्या लगेगा? Cl बन गया साइड लाइट, तो साइड लाइट प्लस क्या बचा? 3H बचे, 3 O बचे, 1 P बचे, क्या बन गया? H3PO3। बात समझ आई? हाँ जी। अच्छे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से हट गए, ठीक है। अब इधर सुनो, आगे देखो, इसमें भी यही होता है, एक सीएल यहाँ लग जाता है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, CH3 डबल बॉन्ड और सीएल ये बन गया, ठीक है। बचा क्या? एक एच है यहाँ पे, एक बनेगा HCl और एक आपको ये धीरे धीरे याद होगा, 3 क्लोरीन बचे, 1 ऑक्सीजन बचा POCl3, ठीक है। इसमें CH3CO इधर क्या लग गया? सीएल क्या बचा? SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स गैसेज होती हैं और ये प्योर यील्ड में मिलता है, ठीक है। सर हमने PCl5 रिएक्शन में PCl3 5 से क्यों मल्टीप्लाई है? नहीं, PCl3 प्लस PCl2 करके नहीं करते थे हम पहले? एरर के लिए P प्लस आया था, लिख रहे थे PCl3 प्लस PCl2 होते नहीं, ऐसे लिख रहे P प्लस I2। तभी क्या ऐसे होता है, P प्लस I2 ऐसे लिख सकते हैं, एरो के ऊपर लिखा होगा, आप कन्वर्जेंस करोगे ना आपको ये चीज मिलेगी, P प्लस I2 आपस में रिएक्ट होकर क्या बनने वाला है? PA3, ठीक है। बैलेंस करना पड़ता है, चले आगे। देखिए हाथ बहुत ढीला है, ठीक है, तगड़े हो थोड़ा, गिरने वाला है, दन आ गया यार। करूँ ना? नो सर। ओके, एक दो तीन, तुम लोगों ने कहा खत्म हो गया, मैंने क्या आना लिखना है तुम जो मर्जी। चलो आगे लिख, जल्दी जल्दी फास्ट, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर सारी है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेना, मैकेनिज्म भी कराऊंगा फास्ट कराऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर RC(OH+)R-OH, इसमें अल्कोहल ऐड किया, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ ये, ठीक है,
तो ये रिएक्शन होती है एस्ट्रो से फोर्स की प्रेजेंस में और रिवर्सिबल होती है, इधर से ओएच जाता है इधर से एच जाता है। व्हाट अबाउट सिंपल स्टेरिफिकेशन है फोर्स पर की आर सी डबल बॉन्ड हो ओ आर डैश प्लस H2O ये बन गया एस्टर। ठीक है इसका मैकेनिज्म देखो थोड़ा पास के जा रहा हूं मैं। ठीक है देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा एच पॉजिटिव टैग करके इसके आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एच पॉजिटिव कहां टैग करता है ओ पे ओके ये वाले ओ पे टैग होगा ये बॉन्ड इधर जाएगा ये इधर जाएगा। समझ आया बोलो यस सर। इसमें ना पांच स्टेप है इसके मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा स्टेप है इसमें ओ पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है यहां पे क्या लग जाएगा एच बोलो इधर पॉजिटिव चार्ज एक और इधर सही है। अब दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा अटैक करेगा। ठीक है आर सी ओ एच पॉजिटिव चार्ज नीचे ओ एच कौन अटैक करेगा पॉजिटिव के कौन अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल अटैक करेगा इधर कौन है पता नहीं कुछ होगा कोई नहीं सो वो एग्जिट हो गया कुछ और हो गया पता नहीं कोई नहीं इधर देखो ये सब जाएंगे वो बैठ के क्लास में कहीं कुछ तो होगा आर सी ओ एच ओ एच इधर क्या लग गया ओ बोलो इधर एच ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बोलो आएगा यहाँ पे आर डैश है ये समझ आया स्टेप। अब अगला स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा वो एच पॉजिटिव के बाहर निकालेगा एच पॉजिटिव इधर आ जाएगा ये प्रोटोनेट हो जाएगा ये H2O बन जाएगा ये वाटर बाहर निकल जाएगा। समझ आया यहाँ पे दो स्टेप है मैं एक ही सिंगल स्टेप में कर रहा हूँ ठीक है सारे स्टेप समझ आया कर दूँ देख इसको मैं लिख रहा हूँ आर सी ओ एच ओ एच ओ एच आर एच यहाँ पे क्या होगा बच्चे ध्यान से समझना यहाँ से एच पॉजिटिव बाहर जाएगा ये अपनी तरफ बॉन्ड खींच लेगा एच पॉजिटिव इसको प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है मैं कर देता हूँ एक स्टेप और आर सी ओ एच ये प्रोटोनेट हो गया माइनस एच पॉजिटिव प्लस एच पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हो पेपर में भी। ठीक है यहाँ से माइनस एच पॉजिटिव हुआ एच पॉजिटिव इधर चला गया हाँ जी ठीक है यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव चला गया ओ पे समझ आ रहा है ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया ये आ गया आगे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये यहाँ से वाटर बाहर अब इस कार्बन पे चार्ज क्या है पॉजिटिव ये यहाँ से एच पॉजिटिव माइनस वाटर माइनस एच पॉजिटिव। ठीक है क्या बन गया आर सी ये बॉन्ड इधर क्या था कार्बन पे चार्ज क्या आया था कार्बन इधर गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है एच पॉजिटिव बाहर गया ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है नेगेटिव डबल बॉन्ड आ गए ओवर डैश समझ आया दोबारा देखो सबसे पहले बच्चे एच पॉजिटिव है पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ अटैक हुआ ओएच लग गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइलिक अटैक ये बन गया ये ओ के साथ नीचे इधर देखो ओ के साथ एच ओ पे पॉजिटिव चार्ज एच पॉजिटिव यहाँ से बाहर जाता है इधर आ जाता है वाटर बन जाता है वाटर बाहर इधर से एच पॉजिटिव बाहर खत्म बात समझ आई कर लो गैन जल्दी एक मिनट में हेलो जल्दी जल्दी ये मुश्किल है नहीं वो यार सब्स्टिट्यूशन आराम से कह रहा है बहुत आसान है बच्चा है तुम्हारे शरीर सब्स्टिट्यूशन वो टेंथ में थी वो लेवल बढ़ाओ अपना लेवल अप करो नंबर लेने हैं कंपटीशन बहुत है शादी में जाने के लिए टॉप 50 में आना पड़ता है। ठीक है लोग कहेंगे इसको नहीं मिला मैं इन लोग बात जी देवांगे बोला था है ना बच्चे आ गया नहीं गया किसी शादी में सर कर दिए ही होनी है कर दिए तो जाएंगे बाहर से बुलाया किसी ने नहीं सर वो मम्मा की होती है मोस्टली हाँ तेरे को थोड़ी बुलाना तो 50 में आना पड़ता है कंपटीशन है हर जगह आज कल कोरोना ने कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया कर दो लिख लो जगह छोड़ देना मैकेनिज्म खुद एक बार करने वहां पे ठीक है अगला पेज छोड़ देना छुट्टा ही ला लेना अगला पेज मार्च तक देखना
कर तू ना लो ओके हाँ सही बात है किसका इसको लगा रहे हैं तो क्या करना है वो आया था रनिंग टाइम 10 मिनट रह गए कर दो यस सर हेलो सिमरन आर यू देयर सर आपको काय कुछ और है अच्छा सिमरन के लिए नूडली खांदी खांदी सो गई खत्म हो गया हुआ क्या अपडेट आया हुआ इधर घूमना कोई भी नहीं इधर कोई नहीं है पता नहीं उधर मैच से कहाँ चलो चले आए मैकेनिज्म स्टेरिलिटी समझ आ गई ठीक है नेक्स्ट जल्दी जगह छोड़ देना मैकेनिज्म शुरू करना है लीन उल्टा चल रहा है क्या वो अरे वो फॉर्मेशन ऑफ हाइट है ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इसकी ये वाली रिएक्शन और अगला चैप्टर जो है नाइट्रोजन ठीक है उसके कॉम्बिनेशन करके कन्वर्जेंस आती है ठीक है मैं अभी बता रहा हूँ देख लो लिख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के साथ कंबाइन होकर कन्वर्जन आनी है बच्चे लिख लेते हैं इंग्लिश हिंदी पंजाबी में जो उनसे भी आती है अच्छे से ठीक है देखो कैसे इसमें ऐड करना है एनएच3 एनएच3 जब ऐड करोगे ना ये एसिड है ये बेस है CH3 C डबल O O ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा सही है ठीक है इसको थोड़ा सा हीट करोगे ये टूट जाएगा CH3 C डबल O देखो पॉजिटिव देखते हैं ये ज्यादा स्टेबल नहीं है ठीक है टूट गया यहाँ वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ रह जाएगा NH2 प्लस H2 ये आपके पास बन गया अमाइड यहाँ पे लगती है जो कन्वर्जन आती है ना पेपर में आती है मोस्टली ठीक है यहाँ पे लगती है हॉफमैन ब्रोमोवाइन डिग्रेडेशन रिएक्शन ठीक है उसमें क्या होता है ये इधर चला जाता है समझ आया वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि हॉफमैन नहीं आती ठीक है नोट कर जब हॉफमैन आएगी रिवाइज कराएंगे तब करेंगे ठीक है करो नोट जल्दी सर ओ के साथ एच लगा तो फिर वो सॉरी हां जी ओ चले आगे चलो कर दूं ना यस सर थोड़ा देर ही लिखो यार अमाइड बनाया इसकी ना एक और रिएक्शन है वो भी करते हैं वो है फैलिक एसिड के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लेना चाहिए किसके साथ अमाइड देखो जब पेपर आते हैं तब आप लोग ना अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हैं सिक्स्थ सेंस काम करती है जैसे आपके पास 50 क्वेश्चन है ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये रिएक्शन पढ़ ली ये आएगी पेपर में है ना ऐसे चलते हो अब भी तो कर सकते हो ऐसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस डालो ना रिएक्शन पे पेपर में सोचो ये आ जाओगी वहां जाके पता लगता है गोल है सर ठीक है क्या है ना सर इसमें दो एनएच3 की जरूरत है बोल लो शाबाश फिर से वही चीज ये टूट जाएगा माइनस टू एच टू इधर देखो मनन C double bond O NH2 रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होती ठीक है माइनस NH3 अब क्या होगा यहां से ये बॉन्ड टूटा ओह सॉरी हाँ ठीक है NH2 पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ठीक है ये एक H पॉजिटिव इसको दे देगा ये NH3 बन गया ये इधर बाहर निकला NH2 नेगेटिव एच पॉजिटिव इसके साथ आगे NH3 बन गया माइनस NH3 यहाँ पे क्या बचा आपके पास बोलो बोलो क्या बचा NH बचा ना NH बचा और N पे चार्ज कौन सा होगा एच पॉजिटिव को बाहर निकाला नेगेटिव चार्ज होगा
इसका रुपए चार्ज क्या पॉजिटिव, ये बॉन्ड बन जाएगा ठीक है। इसे बोलते हैं पैथैलिक एसिड, कोई नाम नहीं इसका, बेनाम रिएक्शन। रिएक्शन पैथैलिक एसिड विद अमोनिया एसिड या जनरल रिएक्शन है कि बन गया पैथैलिमाइड, इंपॉर्टेंट है पैथैलिमाइड, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी चले आगे, लिखो आगे, रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्विंग रेट 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 रिएक्शन में ऊपर लिखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप रिडक्शन के अंदर ही। हाँ जी बच्चे अब रिडक्शन शुरू हुई है ना, इसके अंदर रिडक्शन पहली रिएक्शन है ठीक है ठीक है। इसकी ना रिडक्शन दो तरह से होती है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में किया था पहले के थे रिडक्शन टू ग्लूकोज याद है, एल्डिहाइड को ऐड किया था और फिर किया गया था रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, आपको याद नहीं है उसमें तीन रिएक्शन थी वॉल्पिनर क्लेमेंसन रिडक्शन और रिडक्शन रिएक्शन थे एच आई रेड फॉस्फोरस ठीक है, कुछ भी नहीं आता। पहले हम रिडक्शन पहले रिडक्शन टू ग्लूकोज देखो जैसे कि है, जब ये आएगा ना कुछ नहीं करना बच्चे, एल ए के लिए ऐड करना है रिड्यूसिंग एजेंट होता है साथ में कर देनी हाइड्रोलिसिस ठीक है, कुछ नहीं करना इसको उड़ा देना ठीक है। सी एच थ्री यहाँ पे दो एच लगा देंगे, कहाँ से आए यहाँ से, अब वहां से क्या बचा ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ आ जाएंगे दो एच एच टू बन जाएगा ठीक है। रिएक्शन समझ आई, ये थी रिडक्शन टू एल्कोहल्स, आगे रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन वो भी देख लो CH3C OH क्या ऐड करना है, जब हाइड्रोकार्बन बना है तो इसमें एच ही ऐड करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है 423 पे करते हैं। इसमें सारा उड़ा देना ये ग्रुप, मतलब कि ऐसे ये सारा ग्रुप उड़ जाएगा ठीक है, क्या बन गया CH3 खत्म। अब बचा क्या, कितने ऑक्सीजन है इधर, दो दो ऑक्सीजन मतलब बोल दिया करो डरा मत करो 2H2O। अब हाइड्रोजन कितने लगाए मैंने, देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे, तीन, एक तो पहले से था, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगाए दो, एक यहाँ पे पहले से ना एक्स्ट्रा कितने लगाए दो, यहाँ कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगाए चार, चार और दो आई टू कितने ठीक है, आया समझ, दो रिएक्शन जल्दी जल्दी लिखो करिए। तुम लोग भी ऐसे डेडिकेशन के साथ पढ़ा करो, जैसे मैं भी टारगेट रख के चलता हूँ कि इतना कराना है इतना कराना है, एक दिन भी ऐसे निकाल कि हाँ यार आज मैं ये करके सोऊंगा, गेम में एक टारगेट हो गया 47 में कर लेवल आज करंट बंदे में करना है हां, आज इतनी रेटिंग कर दी मैंने, रेटिंग वाला कौन है यार, कोई भी रेटिंग गेम में नहीं सर। अब देखो डी का पॉपुलेशन इस तरह बहुत अच्छी बात है, देखो डी का पॉपुलेशन डीकार्बोक्सीलेशन देखो ये बना लोगे एसिड से, एसिड से ये बन जाएगा NaOH ऐड करके या सोडियम मेटल ऐड करके है ना। मान लो आपको पेपर में आ गया कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मीथेन, तो पूरा ग्रुप उड़ाना एक कार्बन कम करना है ठीक है, जब पूरा ग्रुप उड़ाना हो और या एक कार्बन कम करना हो तो डीकार्बोक्सीलेशन की तरफ जाना ठीक है, और जब कार्बन बढ़ाना हो तो KCN ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड करना
डीगर बॉक्स किस में ऐड करते हैं अन्योज इन द प्रेजेंस ऑफ सीईओ, ठीक है, ये ग्रुप बन जाएगा, ये क्या बन गया, एन ए कितने हो गए, आउट करना जरा, सी कितने, एक, ओ कितने, तीन, ठीक है, क्या बन गया, सी एच टू, समझ आया, ये रिएक्शन बैक उस पे भी लग जाएगी सोडियम बेंजोएट पे, ठीक है, जल्दी करो दो रिएक्शन देखिए बस लिखो हेलोसिनेशन, एक मिनट लिखो, पहले पहले लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सीएल टू या बीएल टू ऐड होता है, ठीक है, हम करते हैं बीयर टू इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रिएक्शन समझ लो, ठीक है, ये होता है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा अल्काइल पार्ट की रिएक्शन होती है ना, आपने क्या लिखा, रिएक्शन कॉल्ड अल्काइल पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट अल्काइल पार्ट ही होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अल्काइल होता है, वहां से एक एच हट जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा, बीयर, साथ में क्या है, सीओएच, ठीक है, फिर से इसमें ऐड कर सकते हो रेड फॉस्फोरस, हाँ, Br2 in the presence of red phosphorus, क्या बन जाएगा, CH, Br2, इसे पता है इसका ये name reaction है, क्या नाम है इसका, HBZ reaction, ठीक है, इसका भी हो सकती है, हैं, इसका भी हो सकती है, हाँ, दो करके दे देना, बस बहुत है, Helbolard-Zelinski reaction, Zelinski लिख लो, जल्दी करो, रिंग सब्स्टिट्यूशन जाएगी, दो मिनट का काम रहते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक एसिड्स, ये जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक का डीएक्टिवेटिंग होता है, याद है आपको, यहां मैंने सीएचओ के साथ रिंग सब्स्टिट्यूशन की थी थोड़े दिन पहले, इसके ऊपर सीएचओ लगा के बेंजाइल्डिहाइड की रिंग सब्स्टिट्यूशन की थी, अपनी कॉपीज पे देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां शुरू होता है ना, से बिल्कुल पिछले पेज पे है, Cl2+HNu, नहीं नहीं नहीं, इसमें सल्फर नहीं थी, मेटा रिएक्टिंग होता है, मेटा याद आया, इसका भी माइनस आर इफेक्ट होता है ना, तो ये मेटा रिएक्टिंग होता है, माइनस आर रिएक्शन, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू किया ना उसके बिल्कुल पिछले पेज को देखो, यहाँ पे सीएचओ के साथ रिएक्शन की होगी, जहां पे हैलोजिनेशन वगैरह होती है, मेटा पे अटैक होता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप भी यही लगेगा, हाँ कराइए, पता मेरे को, देखो इसमें Br2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, कहाँ लगेगा Br, मेटा पे, समझ आया, क्यों लगा ये होता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ माइनस आर इफेक्ट, क्लियर, इसी तरह नाइट्रेशन होगी, इसी तरह सल्फोनेशन होगी, नाइट्रेशन में NO2 लग जाएगा, सल्फोनेशन में SO3H, समझ आया, मेटा पे, चैप्टर खत्म, एनसीईआरटी करनी इसकी, ठीक है, थैंक यू।